स्कोर किया जाए अपने टीम के लिए। और अभी अभी एक सुंदर गोल देखने को मिलता हुआ बादड़ी फुटबॉल क्लब की तरफ से। सुनाने के लिए श्रीमान गोपी जी को निमंत्रण देता हूं। गोपी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लाल जी और कुशल जी को। जब जब निमंत्रण दिया है मैंने स्वीकार किया है, इसलिए चलिए मैदान की ओर ले चलता हूं आप सभी को, क्योंकि मैच का शुभारंभ हो चुका है और यहां पर बादोड़ी एफसी वर्सेस केएफसी राजनगर के बीच। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैदान के पश्चिमी छोर पर ये केएफसी राजनगर की टीम रेड बेट व्हाइट जर्सी पर और बादड़ी एफसी मैदान के पूर्वी छोर पर आसमानी व्हाइट जर्सी पर और बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से समावेश टीम, एक तरफ बादड़ी फुटबॉल क्लब और एक तरफ केएफसी राजनगर। और देखिए यहां पर टीम का जो नेतृत्व या कप्तानशिप कर रहे हैं बादड़ी एफसी के निखिल कोदादा गुणवत्ता के ऐतिहासिक मैदान पर कप्तान सीट का जो बार संभाले थे, गजब का लाजवाब प्राइज तक। उनके मुकाबले में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी जिस तरह से खेल रहे हैं केएफसी राजनगर टीम ने, और 10 नंबर जर्सी पर बादड़ी एफसी के टीम कप्तान निखिल कोदादा जी। और देखा जाए यहां पर जर्सी नंबर 2 कानू कोदादा अच्छे डिफेंसिव के लिए जाने जाते हैं, और यहां पर 4 नंबर जर्सी पर खेलता हुआ रोशन पुर्ती और लॉन्ग रेंज एफर्ट के द्वारा पास देना चाहते थे लेकिन सही पास नहीं कहा जाएगा, यहां पर गोल लाइन से बाहर चली गई। और इस तरह से देवाशीष गोलकीपर केएफसी राजनगर के, और सुंदर पास यहां पर दिए हैं और जयपाल ने सुंदर तरीके से बृहस्पति के लिए, और मौका हो सकता है जर्सी नंबर 27 यहां पर बंसी दियोगम, फुटबॉल के क्षेत्र में इनका असलियत नाम ज्योति रमन दियोगम, और जर्सी नंबर 6 जो हम लोग देख रहे हैं आसमान कोदादा, और जर्सी नंबर 11 के पास इस समय बादड़ी एफसी के जोगराम कोदादा। और फिर एक बार काफी दूर से ही किक किए थे लेकिन जर्सी नंबर 15 मुख्य डिफेंडर ने हल्की सी टच करके क्लियरेंस करना चाहते थे लेकिन सही क्लियरेंस नहीं, और कॉर्नर किक का मौका मिलेगा इस समय बादड़ी एफसी को। सेकेंड राउंड का पहला मैच खेलने के लिए भी तैयार होते रहेंगे। जेबीआर एकेडमी वर्सेस बूस्टर एफसी, सेकेंड राउंड का पहला मैच खेलने के लिए भी तैयार होते रहेंगे जेबीआर एकेडमी वर्सेस बूस्टर एफसी के बीच होगा।
ये फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच हम लोग देख रहे हैं, मैच नंबर 8 बादली फुटबॉल क्लब वर्सेस केएफसी राजनगर के बीच। और इस तरह विमल बैक पास किए हैं टीकुल के लिए और तेज गति से पास देता हुआ विमल गेंद तक पहुंच चुके हैं, या क्रॉस करेंगे या एक खिलाड़ी को कट करेंगे, वहां पर चिन्ना झपट्टी होता हुआ अच्छी कवरिंग देखने को मिलता हुआ। और अभी भी मैच का स्थिति 0-0 की स्थिति पर मैच का प्रथम हाफ चलता हुआ। एक तरफ बादली एफसी की टीम, एक तरफ केएफसी राजनगर की टीम। और यहां पर मौका हो सकता है, लेकिन यहां पर ब्लॉक कर दिए हैं केएफसी राजनगर के डिफेंडर। चलिए खेल भावना को दर्शाएंगे, बढ़िया से खेलेंगे यही आप सभी से उम्मीद है। यहां पर अच्छा मौका केएफसी के लिए और सुंदर क्लियरेंस यहां पर, फिर एक बार जर्सी नंबर 80 बृहस्पति काफी दिन से जुड़े हुए हैं केएफसी राजनगर टीम में। और यहां पर गलत पास हुआ है, देखिए काउंटर अटैक हो सकता है, मौका हो सकता है बादली के लिए। और यहां पर फिर एक बार यहाँ पर गजब का पासेस दिए थे, यहाँ पर करिश्माई अंदाज में गेंद को क्लियर करने में सफल हुए हैं जस्टिस कुंटिया। और फिर एक बार जयपाल सिंह का जर्सी नंबर 7 लंबे कद के विंगर है केएफसी के लिए, मौका हो सकता है। और यहाँ पर विमल थोड़ा सा गेंद से पीछे रह गए हैं, अन्यथा कुछ हो सकता था, स्कोर देखने को मिल सकती थी। और तो इनका मौका मिलता हुआ, कृष्णा इनका असलियत नाम है और फुटबॉल की दुनिया में टीकुल से भी फेमस नाम है। और बैक पास किए हैं इस समय बृहस्पति मुर्मू के लिए और जयपाल को सुंदर पास दिए हैं, ब्यूटीफुली पास दिए हैं। और देखिए बेहतरीन पास यहां पर 14 नंबर जर्सी पर खेलता हुआ टीकुल और सुंदर क्लियरेंस कानू कुदादा के द्वारा। वहां पर देखिए बहुत ही सारे खिलाड़ी वहीं पर जमे हुए थे और बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन अब तक में दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। ये फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच है, और यहां पर उछली हुई पास लॉन्ग रेंज अपर्ट के द्वारा पास देना चाहते थे लेकिन सही पास नहीं। फिर एक बार बृहस्पति मुर्मू के पास बॉल और यहां पर बैक पास करते हुए फिर एक बार जर्सी नंबर 15 प्रसाद मुर्मू और सुंदर पास जर्सी नंबर 27 के लिए बंसी दियोगम। और फिर एक बार बृहस्पति ने कृष्णा यानी कि टीकुल को पास दिए हैं और देखिए लॉन्ग रेंज पटकतान सुंदर पास जयपाल के लिए यहां पर हेडर करके पास दिए हैं जर्सी नंबर 9 विमल के पास बॉल, एक खिलाड़ी को कट करने के बाद दूसरा खिलाड़ी को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद यहां पर चिना गया, अच्छी कवरिंग देखने को मिलता हुआ जयपाल के द्वारा। अपने खिलाड़ी को निहार रहे हैं बादली एफसी के टीम के खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 जोगराम कुदादा। और फिर एक बार यहां पर जर्सी नंबर 16 शुभम मुर्मू और सुंदर क्लियरेंस यहां पर कृष्णा के लिए, कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं, जानते हैं एक खूबसूरत मैदान में खेलता हुआ ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से मशहूर नवजुवक संघ नाकसा के ऐतिहासिक मैदान। फिर एक बार बंसी दियोगम
कृष्णा के लिए और सुंदर पास दिए हैं। बिमल बराबरी का खेल चलता हुआ इस समय यहाँ पर बिमल के पास बॉल और बंसी के लिए काफी दूर से ही किक किए हैं आप जयपाल के लिए लेकिन गेंद तेजी थी और मौका हो सकता है काफी दूर से किक किए हैं वो यहाँ पर सीधे गोलकीपर के हाथों में बादुड़ी एफसी के गोलकीपर अविनाश पीयू यहाँ पर फिर एक बार जर्सी नंबर 8 करण कोदादा बादुड़ी एफसी के विंगर खिलाड़ी और ये फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच हम लोग देख रहे हैं केएफसी राजनगर और बादुड़ी एफसी के बीच सेकंड राउंड का पहला मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे बूस्टर एफसी वर्सेस जेबीआर एकेडमी के बीच होगा और सेकंड राउंड का दूसरा मैच होगा कुर्सी फुटबॉल क्लब वर्सेस डेंजर 11 के बीच चलिए 18-20 याद से जर्सी नंबर 4 अच्छी किक जरूर किए थे लेकिन यहाँ पर फिर एक बार विमल अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और बृहस्पति काफी साफ सुथरा खेल के लिए जाने जाते हैं और फिर एक बार मौका हो सकता है जयपाल के लिए देखिए बहुत ही सुंदर किक यहाँ पर किए थे और क्रॉस बार में लगती हुई गोल लाइन से बाहर कुछ अलग रणनीति के साथ खेलना होगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को प्रथम हाफ का जो रणनीति बनाए थे दोनों टीम के खिलाड़ी कारगर साबित नहीं हुई है अब सेकंड हाफ का रणनीति क्या कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी बहुत ही बेस्ट मैदान है ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से मशहूर ये ग्राउंड और ऑर्गेनाइजर कमेटी का नाम नव युवक संघ नाकासा प्रत्येक साल की बात है इस साल भी 2023 में भी एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर अब तक में किए हैं और इस बार एक से बढ़कर एक दुरंधर खिलाड़ी इस मैदान पर खेले हैं हम सभी जानते ही हैं और देखे भी हैं और अभी भी देखिए बंसी यहाँ पर सुंदर पास विमल के लिए लेकिन वहां पर थोड़ा सा गलत पास हुई है इस समय बॉल पोजीशन बादुड़ी एफसी के पास और सुंदर पास यहाँ पर जर्सी नंबर 80 जयपाल के लिए सुंदर पास दिए हैं लंबे कटके काफी दूर से ही किक जरूर किए थे गोलकीपर आसानी से गेदर किए हैं ये दोनों टीम बिल्कुल चाहेंगे कि किसी तरह से एक स्कोर किया जाए लेकिन अभी भी स्कोर की इजाफा नहीं हुई है दोनों टीम के लिए बैक पास किए हैं फिर एक बार बादुड़ी एफसी के पास बॉल पोजीशन इस समय और सुंदर पास जर्सी नंबर 10 निखिल कोदादा टीम का कैप्टन
प्रसाद ने सुंदर पास दिए हैं बृहस्पति को और बृहस्पति ने बैद्यनाथ को सुंदर पास दिए हैं, लेकिन बहुत ही एक एक्टिविटी वाला पास। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी और तालमेल बैठा कर खेल रहे हैं और ये मौका हो सकता था विमल के लिए। और सुंदर खेल का प्रदर्शन जयपाल और विमल के पैरों से देखने को मिलता हुआ। थोड़ा सी चूक हुई है यहाँ पर विमल के द्वारा। चलिए चूक को बेहतरीन करके एक स्कोर की तरफ ले जाए। और इस समय कानू माधुरी के स्टार डिफेंडर कानू को दादा यहाँ पर बृहस्पति काफी सीनियर खिलाड़ी है अपने टीम के लिए, केएफसी राजनगर टीम के लिए। कानू को दादा जर्सी नंबर दो पर खेलते हुए माधुरी एफसी के, और तरह इनका मौका इस समय जर्सी नंबर 16 केएफसी राजनगर टीम से ये सुदाम मुर्मू। बैद्यनाथ बैक पास किए हैं बृहस्पति के लिए, मौका हो सकता है फिर एक बार टिकुल के लिए और गेंद तक जरूर पहुंच पाएंगे। सही रिसीव भले ही नहीं हुआ है वहां पर, एक खिलाड़ी को कट करने का प्रयास, अच्छी कवरिंग देखने को मिलता हुआ टिकुल के द्वारा। और फिर एक बार टिकुल काफी दूर से किक किए हैं और यहाँ पर कॉर्नर किक का मौका मिलता हुआ केएफसी राजनगर टीम को, और छोटे छोटे पास खेलता हुआ यहाँ पर गोलकीपर को भेदने में थोड़ा सा कठिन चुनौती हो रही है केएफसी राजनगर टीम के लिए। युवा गोलकीपर जरूर है बादुड़ी एफसी के अविनाश थी, अब तक में अच्छा कर्ज किए हैं, काफी मजबूत टीम को रोक के रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं केएफसी राजनगर की टीम किसी भी तरह से किसी भी हाल में एक दो गोल स्कोर किया जाए अपने टीम के लिए। और अभी अभी एक सुंदर गोल देखने को मिलता हुआ बादुड़ी फुटबॉल क्लब के तरफ से। दामोपूर्ति काफी सीनियर खिलाड़ी है अपने टीम के लिए, काफी दिन से जुड़े हुए हैं केएफसी राजनगर टीम में। अच्छा मौका यहाँ पर काफी दूर से जरूर किक किए थे सुदाम मुर्मू, और एक सुंदर अवसर कॉर्नर किक के रूप में केएफसी राजनगर टीम को मिलता हुआ। खुद यहाँ पर विमल किक करने के लिए यहाँ पर मौजूद यहाँ पर मौका हो सकता है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो बॉल पोजीशन टिकुल के पास इस समय, अच्छी कवरिंग देखने को मिलता हुआ यहाँ पर जयपाल के द्वारा। काफी प्रयास और मेहनत कर रहे हैं केएफसी राजनगर टीम।
कुमार कुमार कर जाते यहाँ पर सामू ने बृहस्पति के लिए पास किए हैं। देखिए बिल्कुल क्या खेल रहा है यहाँ पर फिर एक बार बादुड़ी एफसी के पास बॉल छोटे छोटे पास खेलता हुआ राजनगर की टीम यह समय सुदाम के पास बॉल नंबर 16 और बृहस्पति के लिए अपने खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं देख रहे हैं किसे दिया जाए पास और यहां पर दामू को दिए हैं पास दामू पूर्ति यहां पर फिर एक बार मौका जरूर मिला है एफसी राजनगर टीम को साइड डिफेंस है तो मुंह ने भाई निखिल बॉल निखिल।